इस चुनाव को लोकतंत्र और संविधान के प्रति दीदी के रवैये की वजह से भी याद किया जाएगा। चुनाव के दौरान ही यहां बीजेपी के अनेक कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, हमारे अनेक कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, हमारे उम्मीदवारों पर अटैक हुए, घर जला दिए गए। लोकतंत्र में इस प्रकार के आचरण के लिए कोई जगह नहीं होती है, लेकिन दीदी लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने पर तुली हुई है। साथियों, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों का खतरा दिन रात रहता है, लेकिन वहां भी पहले पंचायत चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव हिंसा के बिना ही खत्म हुए, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई चरण नहीं था। छह चरण हुए, छह के छह चरण, ऐसी कोई सीट नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं जहां हिंसा ना हुई हो। ये दीदी के अहंकार का ही परिणाम है।